कोरोना वायरस एक तरफ लोगों के जीवन में एक डर सा बन गया है, ऐसे में भारतीय महिलाएं घरेलू चाय का प्रयोग एक दवा स्वरूप बनाने में कारगर और अचूक मान रही हैं। आज हम आए हैं विनीता पांडे जी के घर, जो बाल कल्याण समिति के सदस्य हैं और साथ में एक समाज सेविका भी हैं, जो कोरोना की लड़ाई में मऊ में बहुत ही अपना योगदान दे रही हैं। आइए हम उनसे मिलाते हैं और जानेंगे कि कैसे कोरोना से बचाव के लिए एक बेहतरीन एंटीबायोटिक चाय कैसे बनाई जाए और उसके फायदे क्या हैं। बताएं मैम, इस समय जो हमारे देश में कोरोना वायरस इतना फैला हुआ है, तो उसके बचाव के लिए बहुत सारे टिप्स हैं, लेकिन सबसे आसान टिप्स जो घर में बनाया जाता है, बहुत सस्ता है, बहुत मतलब यूजफुल भी है, तो मैं सबसे पहले काली मिर्च तुलसी की चाय बनाऊंगी और आप सबको एक एक कप पिलाऊंगी। और इसको अगर दिन में हम लोग 3-4 बार अगर लेते हैं, तो ये जो कोरोना हमारे गले के रास्ते से अंदर जाता है और ज़्यादा विघटित होता है, तो वो नहीं होगा, क्योंकि गले में ही तो अब मैं ये तुलसी जी का पानी पहले रख दी हूँ 3-4 कप के हिसाब से, उसके बाद में तुलसी का पत्ता डाल रही हूँ पर्याप्त मात्रा में, और प्रतिदिन मैं ताज़ा ताज़ा तोड़ कर लाती हूँ तुलसी जी का पत्ता, आप लोग अपने टेस्ट के अनुसार। और ये एक इलायची है, अदरक है, काली मिर्च है, अजवाइन, ये सारी चीज़ें एंटीबायोटिक है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, इसको प्रतिदिन 3-4 बार लेना चाहिए। और हमारी इम्यूनिटी बढ़े काबू पाने के लिए हमारी क्षमता, अदरक, अजवाइन, एक छोटी हरी इलायची, कूटने के बाद ये मेरा पानी खोल रहा है, इस गर्म पानी में काली मिर्च, अदरक, अजवाइन, लौंग डाल दी हूँ। उसके बाद से अगर आप चाहें तो थोड़ी सी चाय पत्ती भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच से लेकर चाय पत्ती डाल दी, और गुड़, गुड़ बहुत, तो मैं गुड़ डाल दूंगी। ये लॉकडाउन में आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं लॉकडाउन हुआ है कोरोना वायरस से बचने के लिए, तो घर में आदमी रह के अपनी सुरक्षा किस तरह से करें, एक वो सबसे बढ़िया है कि हम किसी से टच नहीं हो रहे हैं, घर में रह रहे हैं, शुद्ध खा रहे हैं, सफाई से रह रहे हैं, कोई ना घर में आ रहा है ना जा रहा है। दूसरी चीज़ हम घर में रह कर ही सोच सकते हैं कि क्या ऐसा कुछ करें कि कोरोना वायरस का प्रकोप ना आए, तो हम लोग अपना है कि क्यों नहीं काली चाय, काली चाय मीन्स अदरक, तुलसी, लौंग, काली मिर्च, अजवाइन, ये सब डालकर चाय पिए, ये सारी चीज़ें जो है एंटीबायोटिक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी तो कोई रोग हम पे हावी नहीं हो सकता। तो हमारे यहाँ तुलसी जी हैं और प्रतिदिन हम लोग ताज़ी ताज़ी तुलसी तोड़ कर लाते हैं, और सुबह, दोपहर, शाम, कभी कभी रात में भी सोने से पहले एक बार, मीन्स 4 बार ये चाय हम लोग लेते हैं, और काफ़ी टेस्टी है, काफ़ी अच्छा है। आप उसमें चाहे तो गुड़ डालें या चीनी डालें, आपके टेस्ट के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ये तो ये बहुत ही अच्छी चाय है, क्योंकि ये जो है कि गर्म पीना चाहिए, तो इससे गर्माहट भी मिल रही है, और दूसरी कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ रही है, और जो ये महंगे दूध हैं या समय से नहीं मिल पा रहे हैं, तो उससे बेहतर ये चाय है। मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि सभी इस चाय को बनाएं और यूज़ करें और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं।